जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम। मैं हूं निखिल पनगोत्रा। आज मेरा मेन मकसद ये है वीडियो शूट करने का कि जो सरकार द्वारा नोटिस पे नोटिस लाई आते हैं और लोगों को, आम जनता को परेशान किया जाता है, तो आज उसी मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जूथ प्रेजिडेंट प्रदीप शर्मा जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। सॉरी, प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, क्या कहना चाहते हैं जो एंटी इंक्रूवमेंट चलाई ड्राइव चलाई जा रही है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिन लोगों ने 70-70 साल उस जमीन पर खेती की है और अपना पेट पाला है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? शुक्रिया। मैं पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ दैनिक शिफ्ट टाइम का, जो हमें आम लोगों को अपनी बात रखने का एक जरिया दैनिक शिफ्ट टाइम सदा देते आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो एंटी इंक्रूवमेंट ड्राइव सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इस पर कोई संज्ञान कदम लेने की ज़रूरत है। लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। लोगों को बताया जाए कि ज़मीनें किस किस कानून के तहत ली जा रही हैं। आज तो लोग इतने गुमराह हैं कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी जाएगी ज़मीन की मालकी जाएगी कि सरकारी जाएगी। किसी ने 2 मरले पे घर बनाया, किसी ने 4 मरले पे घर बनाया, किसी ने 5 मरले पे घर बनाया। लोगों को रात को नींद नहीं आ रही कि हमारा घर टूट जाएगा, हमारा घर टूट जाएगा। गवर्नमेंट तो ऊपर से आश्वासन दे रही है कि हम छोटे लोगों को ग्रास रूट लेवल पे हम उसको कोई उनका आशियाना को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं गवर्नमेंट को कि आप एक कानून लाइए जिससे छोटे लोगों को थोड़ा इससे एक जरिया बन सके कि लोगों को बचाया जा सके। जो एक दिहाड़ीदार है, जो एक 200-300-250 रुपये दिहाड़ी से अपना घर चलाता है, परिवार चलाता है, तो LG एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने हमारे MLA मंत्री जो हमारे जो जो ऑफिसर रहे हैं, चाहे पुलिस को लगा लो चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगा लो, उन पर ज़बरदस्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने ही हमारी स्टेट को जो है अंधेरी में डाला हुआ है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि कितनी सारी इंक्रोचमेंट्स जो हटाई जा रही हैं धीरे धीरे, जो पॉलिटिशियन से निकाली जा रही हैं, हज़ारों कनाल ज़मीन जो पॉलिटिशियन से निकाली जा रही हैं, आम लोगों को जो जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, जिनके पास कोई आशियाना नहीं है, उनको 5 मरले 4 मरले करके उन लोगों को दी जाए, जो कि जो गरीब लोगों को भी एक सहारा बना जाए और सरकार से भी कोई उम्मीद गरीब लोग रख पाए। अशीत जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, इसमें थोड़ा एक्ट को लोगों को समझाया जाना चाहिए। जो 1947 से जो ज़मीनों को एक कानून आया था जिसके मुताबिक शेख अब्दुल्ला थे टाइम के, जो एक एक्ट आया था जिसको टिलर को ज़मीन दी गई थी, जो कि एक हल चलाता था उस पर ज़मीन को, जो उनके पास ज़मीन थी जो हल चलाता था उनको आधी टिलर को दी दी थी। तो उसके मुताबिक जिनसे वो ज़मीन ली गई थी उनके वक्त वो मुअल की थी, जब टिलर को वो ज़मीन आई तो वो सरकार हो गई। इसके सरकार को कदम लेना चाहिए कि जो टिलर को ज़मीन मिली है उनको मालिकाना हक देना चाहिए। जो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार को मालिकाना हक देना चाहिए, और कोर्ट की बजाय लोग जे गवर्नमेंट आम एक कानून ला के जे लोगों को एक संज्ञान, लोगों को एक अच्छी तरह से वो मालकी करके दे सकते हैं। जो LP 6 के जरिए जो एक कानून आया था कि लोगों को मालकी करके दी गई थी, एक एग्रेरियन एक्ट आया था जिसके मुताबिक टिलर को जो ज़मीन थी वो मालकी करके दी गई थी, आज भी ये कानून लागू है। पर ये कोर्ट में जाके, जो गरीब लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा जिससे आम लोगों को जो है एक अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस आ सके। तो सरकार लगातार क्या कर रही है? सरकार लगातार नोटिस पे नोटिस, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सरकार जो है नोटिस निकालती रहती है, तो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो आम लोग हैं उनको तंग ना किया जाए। मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, यूथ क्लब प्रेजिडेंट प्रदीप कुमार अपने तरफ से, कि जो आम लोगों को जो दिक्कत आ रही है ज़मीनों के बारे में ये ना की जाए। जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के अधिकारी हैं, उन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। जो आज की तरफ से मैं जानना चाहता हूँ, बुलडोजर एक तरफ चलना चाहिए, जो ऊपर से नीचे तक चलना चाहिए, ना कि नीचे से ऊपर तक चलना चाहिए।
जी आपने एक बात बोली है कि क्यों चलता है गरीब लोगों का पंजा, बड़े बड़े लोगों पर क्यों नहीं चलाया जाता? मैं पहले बताना चाहता हूं कि हाल ही देखा जाए तो कश्मीर में बड़े लोगों पर धीरे धीरे पंजा चल रहा है, पीला पंजा चल रहा है। जम्मू में हाल ही की कितने आपने देखा है अभी पीला पंजा चला है लोगों पर? तो अभी भी कुछ लीडर हैं जो पीले पंजे की कदार पर हैं। तो मैं इसमें कहना चाहता हूं कि हज़ारों कनाल ज़मीन पर जो एक नेक्सस चलाया जा रहा था रोशनी एक्ट के थ्रू, उसमें पीला पंजा फिरना चाहिए। उसमें बहुत ही बड़ा नेक्सस 25,000 करोड़ का जो घोटाला जो उस वक्त का किया गया है, जो रेट तय किए गए थे सरकार की तरफ से, वो गवर्नमेंट को नहीं मिले थे। एक वो प्रोजेक्ट में पैसा लगना था जो गवर्नमेंट ने रेट ज़मीनों के तय किए थे, वो एक तय के मुताबिक गवर्नमेंट को नहीं दिए गए। एक फ्री में लैंड जो है लोगों को मालिकाना हक करके रोशनी एक्ट के थ्रू दी गई। इसमें सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अपने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई है इसे लोग काफ़ी खुश हैं, पर जो गरीब लोगों पर अत्याचार ना किया जाए। मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू कमिश्नर सेक्रेटरी जो हमारे बुधूरी साहब हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, वो काफ़ी हद तक जानते हैं कि जो छोटे लोग हैं और कितने ताकतवर होते हैं और कितना ही ना। प्रदीप जी एक बात है, बड़े बड़े भू माफिया जो हैं, आपने देखा होगा सांबा जिला के अंदर जितने भी दरिया नाले चोइयाँ वगैरह हैं उनको कैप्चर किया गया है, क्योंकि ये भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिली भगती से हुआ है, ठीक है? तो उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? मैं पहले बताना चाहता हूँ कि जो एक तरफा पहले बनाने दिए जाता है मकान रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा ही, दूसरी तब वो जेसीबी लेके ढहाने के लिए आ जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो करप्शन का जो दायरा है ये ख़त्म होना चाहिए, टोटली ख़त्म होना चाहिए। आज मैं बताना चाहता हूँ कि आम लोगों को, जो गांव में लोग रहते हैं, उनका जो लोगों को भड़काया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट कर रही है, एंटी करप्शन ड्राइव गवर्नमेंट कर रही है। मैं हालांकि बताना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की है, उसमें जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है वो 2019 से चल रही हैं कि जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है रोशनी एक्ट के थ्रू जो केस सीबीआई को भी सौंपा गया था, ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन है। सिंगल बेंच से होकर डबल बेंच ने डायरेक्शन दी है कि जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है इसको जल्दी से जल्दी पूर्ण, जो ज़मीनें लोगों द्वारा हड़पी गई हैं उसको खाली करवाया जा सके। मैं डिपकॉम जम्मू, डिवीजन कमिश्नर जम्मू और डीसी सेवन सांबा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी भू माफिया हैं, जो भी हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन पे बैठे हुए अधिकारी हैं, चाहे रिटायरमेंट ले ली हैं, उन पर जितना भी लोगों ने कब्जा किया है सरकारी ज़मीन को, वो खाली कराया जा सके, और जो टिल्लर को जो ज़मीन वो मिली है उनको मालिकाना हक दिया जाए, जो कि एक दायरे के अंदर रह के गवर्नमेंट को एक इम्प्लीमेंट आर्डर एक्ट पास करना चाहिए, जिसके तहत आम गरीब लोगों को, ज़िम्मेदार लोगों को उनका जो फ़ायदा मिलना चाहिए। प्रदीप जी जैसे कि जो पीछे अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले अभी एंटी करप्शन ड्राइव चलाई गई डीसी द्वारा, जहाँ पर सांबा के डिग्री कॉलेज के बाद, तो काफ़ी नुकसान हुआ उन लोगों का जिन लोगों ने कब्जे की हुई थी लैंड, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं पहले बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जो रिकॉर्ड पड़ा है, उनके पास तो आजकल तो कंप्यूटराइज ज़माना है कि उनके पास जो रिकॉर्ड पड़ा है वो खुद गवर्नमेंट जानती है कि इनके पास टोटली कितनी ज़मीन है और कितनी लोगों ने कब्जा की हुई है। अगर किसी के पास कोई 10 मरले 5 मरले हैं तो उसको तो गवर्नमेंट नहीं छेड़ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा उसको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास वही ज़मीन है 5 मरले 2 मरले 4 मरले। पर जिन लोगों द्वारा ऑलरेडी इतने इतने बड़े मल्टीप्लेक्स कॉलेज और इतने बड़े जो भू माफिया ज़मीनें घेरी हुई हैं, इतने इतने प्लाट जो सरकारी ज़मीनों पर ले हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, इनको गिराया जाना चाहिए। जो आम लोगों को ज़मीनें दी जानी चाहिए 4 मरले हो 5 मरले के, एक कानून इंप्लीमेंट करके इन लोगों को दी जानी चाहिए। रविंदर रैना द्वारा ये भी कहा गया है कि हम लोगों की जो जहाँ लोगों ने अपना मकान वगैरह डाला हुआ है हम उसको नहीं छेड़ेंगे, तो 10-10 जो लोगों ने अपने घर के लिए, गुजारे के लिए रहते हैं लोग, वहाँ पर मकान डाला उसको नहीं छेड़ेंगे, उसके बाद क्या? मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि रविंदर रैना द्वारा जो भी बात कही गई है वो स्पष्ट की गई है, उन्हें बार बार दोहराया है कि जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है वो ही सरकार को माननी पड़ती है। संविधान सबके लिए बराबर है, इस देश में रहना तो संविधान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। मैं रविंदर रैना जी से मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो आम लोगों के बीच आके जो लोगों को भड़काने की बात कर रहे हैं,
वो लोगों को समझा रहे हैं धीरे धीरे कि जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, जो बार बार आज दो तीन साल पहले से आज सीबीआई को सौंपा था कि इतनी इसमें इतना करोड़ का घोटाला हुआ है, इतना करोड़ का घोटाला चल रहा है, वो सीबीआई को गया। सीबीआई के आने के बाद कितने नाम जो है कि पब्लिश हुए थे, जिन लोगों द्वारा ज़मीनें हड़पी गई थी। देखा जाए तो 25,000 करोड़ का कोई छोटा घोटाला नहीं है, इससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है। जो आम लोगों को ज़मीनें का एक माफिया जो चल रहा है हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में, जो बहुत ही दर्दनाक बात है, जो आम लोगों के ऊपर जो असर पड़ता है और गवर्नमेंट को भी असर पड़ता है। अगर ये ज़मीनें गवर्नमेंट लेगी तो उसमें कोई स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। अगर जो हाल ही हमारे जो है ये इंडस्ट्री का जो एरिया लोगों ने जो इंडस्ट्री द्वारा लिया गया है गवर्नमेंट ने, हमने रिक्वेस्ट की है जो गाँव के साथ लगता हुआ एरिया है और इसमें जो मालिकाना लोगों की ज़मीन है उसको ना छेड़ा जाए, और जो टिलर की ज़मीन है उसको मालिकाना हक दिया जाए, और जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको रहने के लिए जो आसरा आशियाना वो दिया जाए। हमने रिक्वेस्ट की थी, अभी कमिश्नर सेक्रेटरी आए थे इंडस्ट्री एंड कमर्स के, उससे हमने काफ़ी दारा संज्ञान, डीसी मैडम से हमारे गांव के लोग मिले थे। हमने कहा था कि जो लोगों की ज़मीनें जो इंडस्ट्री को दी जा रही है, काफ़ी गाँव के साथ लगता एक छोटा सा गांव है, उसके साथ लगता है कि पास छोटा छोटा सा एक टुकड़ा है जो कि ज़मीन हल चला के अपना गुजारा रोटी रोजी का करते हैं, तो इसको ज़मीन को ना छुआ जाए बार बार। ये थे हमारे प्रदीप कुमार जी, इनका यही कहना है कि गरीब लोगों को तंग नहीं किया, जो बड़े बड़े लोग जो हैं, जो बड़े बड़े भूमाफी हैं, जिन लोगों ने लैंड को कैप्चर किया हो, उनका उनका उनकी तरफ देखा जाए और गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाए। जिला सांबा से निखिल पनगोत्रा की रिपोर्ट। नमस्कार।